राय सर इज रियली योर रियल मेंटर. ही हैज एक्सेलेंट कॉन्सेप्ट बेस. ही प्लेज मैनी रोल्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. समटाइम्स ही थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम. छोड़ दो अभी. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? मोशन नहीं होता है. अच्छा, नो चेंज. वेरी गुड वेरी गुड. अगर हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि स्टेट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, राइट? तो अब अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करूं, तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या बन जाएगा? क्या डेफिनेशन बन जाएगा? नो चेंज इन थर्मोडायनामिक स्टेट. देयर शुड बी नो चेंज इन थर्मोडायनामिक स्टेट. अगर सिस्टम के थर्मोडायनामिक स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि सिस्टम जो है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है. इज दैट क्लियर? थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या नहीं हो रहा है? रिएक्शन नहीं हो रही. अच्छा, और अगर थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या कॉन्स्टेंट है? एंट्रोपी. थर्मोडायनामिक स्टेट किस पे डिपेंड करता है? कौन डिफाइन करता है थर्मोडायनामिक स्टेट को? प्रॉपर्टी. तो अगर मैं कह रहा हूं कि थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, तब हम कहेंगे कि सिस्टम जो है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में. क्लियर हुआ ये पॉइंट? सो नो चेंज इन थर्मोडायनामिक स्टेट, दैट इज नो चेंज इन, नो चेंज इन मैक्रोस्कोपिक स्कोपिक प्रॉपर्टीज. माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सिस्टम की जो है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ऑल शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, तब हम कहेंगे कि मेरा सिस्टम जो है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है. क्लियर हुआ ये? अब अगर अपने को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम चाहिए, तो इसकी तीन कंडीशन है. टू ऑब्टेन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम देयर आर थ्री कंडीशन. फर्स्ट, थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर इसको मैं शॉर्ट में लिखूं, तो इसका मतलब कि नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर अब मान लो, देखो थर्मल इक्विलिब्रियम होना जरूरी क्यों है? थर्मल इक्विलिब्रियम को भी यहां पर हिंदी में समझ सकते हैं कि कोई हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए. अब मान लो ये बॉटल है, इसमें 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी रखा हुआ है. इसको मैं इस रूम में ला के रख दूं जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या होगा? तो पानी से एम्बिएंट को हीट ट्रांसफर होने लगेगा. उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? जो पानी रखा हुआ है, जो कि मेरा सिस्टम था, उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा. टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा. क्लियर हुई है बात? अगर हीट ट्रांसफर होगा, तो टेम्परेचर चेंज होगा, एंट्रोपी चेंज होगा, और कोई भी प्रॉपर्टी अगर चेंज हो गया, तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा. क्लियर हुआ ये? चलिए, सेकेंड, थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए. दूसरा होना चाहिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम.
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसको अपन हम शॉर्ट में लिख सकते हैं नो वर्क ट्रांसफर। मैकेनिक्स में जब अपन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहां पे हम बोलते हैं कि कोई फोर्स बैलेंस होना चाहिए और मूवमेंट बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को शॉर्ट पे कह सकते हैं कि कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अगर कोई वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वी कैन कंसिडर कि देयर इज अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब वर्क ट्रांसफर का क्या मतलब हुआ? मान लो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहां पे हाई प्रेशर में एयर फिल्ड है। अब मान लो इस पिस्टन को मैं मूव करने के लिए छोड़ दूं तो हाई प्रेशर के कारण क्या होगा? पिस्टन जो है वो मूव करेगा, यानी कि एयर जो है वो एक्सटर्नल बर्डन कर रही है। अब जब ये पिस्टन एक्सपांड होगा तो यहां पे जो एयर है उसका प्रेशर जो है वो ड्रॉप करेगा, प्रेशर चेंज हुआ, यानी कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं रहा। इज दैट क्लियर? तो अभी हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम चाहिए तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए थर्ड, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स देयर शुड बी नो केमिकल प्रोसेस, नो केमिकल प्रोसेस शुड टेक प्लेस। नो केमिकल प्रोसेस शुड टेक प्लेस। अभी केमिकल प्रोसेस, मेरे पास एक बॉटल है, इसमें पेट्रोल भरा हुआ है जिसका टेम्परेचर एम्बियंट टेम्परेचर के बराबर है, तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, कोई वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा। अभी इसमें एक माचिस डाल दूं तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। करेक्ट है, यानी कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। तो अगर मेरे को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो उसके लिए ये तीन इक्विलिब्रियम मेरे को अचीव करने पड़ेंगे, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल। ये जब तक तीनों इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होंगे तब तक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। क्लियर हुआ ये? तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए और केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो क्या वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा? ट्रू और फॉल्स? अगर सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम तो है लेकिन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो क्या वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है? अगर वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब वो थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। इज दैट क्लियर? चलिए जी, नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस दोस्तों, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक का लिटरल मीनिंग होता है बहुत स्लो। चलिए बहुत स्लो, वेरी स्लो। चलिए से कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की वो हम लिख लेते हैं। एट एवरी स्टेट, एवरी स्टेट सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम। एट एवरी स्टेट सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम।
दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम should be equal to the surrounding. सारे पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन. सराउंडिंग डेफिनेशन जो इसका हम दूसरा डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द लोकस क्वासिस्टेटिक प्रोसेस. इट इज द लोकस इट इज the locus locus of all equilibrium state passed by the system passed by the system during change of state during change of state. Third, practically a quasi-static process is impossible however a very slow process very slow process can be assumed quasi static can be assumed quasi static. Fifth, to complete the process a small difference of delta is assumed between system and surrounding. चलिए अब जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं उसको आप एक बार पढ़ लो, फिर अपन डिस्कस करते हैं कि क्या मतलब हुआ इन पॉइंट्स का. चलिए
दिस इज अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये एक पिस्टन है राइट, और ये एक इंसुलेटेड इंसुलेटेड सिलेंडर है। इंसुलेटेड मतलब इससे कोई हीट ट्रांसफर सराउंडिंग को नहीं होगा, करेक्ट। अभी ये सिलेंडर में कंप्रेस्ड एयर भरी हुई है और ये पिस्टन मूव ना कर पाए, इसके लिए मैंने एक पिस्टन के ऊपर एक डब्ल्यू वेट रख दिया। चलो बाद में ड्रॉ करना उसको। यहां पे मैंने एक डब्ल्यू वेट रख दिया है इस पिस्टन के ऊपर। इस वेट के कारण मेरा पिस्टन मूव नहीं कर पा रहा है और ये जो सिलेंडर है वो इंसुलेटेड है। तो अभी जो कंडीशन है, क्या ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है? हाँ, पिस्टन मूव नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहां पे मैंने वेट रखा हुआ है। क्या ये जो कंडीशन है, इट इज द कंडीशन ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम? इंसुलेटेड है यानी कि कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, मेरा पिस्टन मूव नहीं कर पा रहा, इसका मतलब यहां पे कोई वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा, और तीसरा यहां पे कोई केमिकल प्रोसेस भी नहीं हो रही, राइट। तो इसका मतलब अभी जो स्टेट वन था वो मेरा एक इक्विलिब्रियम स्टेट था, करेक्ट है। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम आने के लिए क्या हुआ? जितना प्रेशर एयर अप्लाई कर रहा था उतना ही प्रेशर मैं वेट के द्वारा इस पे अप्लाई कर रहा हूं, उतना ही फोर्स मैं वेट के द्वारा इस पे अप्लाई कर रहा हूं, तभी यहां पे इक्विलिब्रियम आया। चलो अब मैं इस वेट को हटा लेता हूं, अब क्या होगा? अब जो मेरा पिस्टन है वो ये पॉइंट, अब ये मेरा पिस्टन जो है वो पॉइंट टू पे पहुंच जाएगा, स्टेट टू पे पहुंच जाएगा। क्या स्टेट वन इक्विलिब्रियम स्टेट था? क्या स्टेट टू इक्विलिब्रियम स्टेट है? अगेन स्टेट टू पे पहुंचने के बाद पिस्टन का कोई मोशन नहीं हो रहा, यानी कि वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा। वॉट इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज द लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पास बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स का लोकस है जो स्टेट वन और स्टेट टू के बीच में मेरे को मिले। तो ये वेट मैंने रिमूव किया तो मेरा पिस्टन वन से टू तक मूव किया, ये जो मोशन था वन से टू तक का, क्या ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये जो मोशन हुआ पिस्टन का वन से टू, इट इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस? नहीं है, नहीं है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट में आपको इक्विलिब्रियम मिला और फाइनल पॉइंट पे आपको इक्विलिब्रियम मिला, लेकिन बीच के सारे पॉइंट तो नॉन इक्विलिब्रियम थे। नॉन इक्विलिब्रियम क्यों थे? नॉन इक्विलिब्रियम इसलिए थे कि बाकी सारे पॉइंट पर आपका एयर प्रेशर ज्यादा था और सराउंडिंग का प्रेशर कम था, करेक्ट है। इक्विलिब्रियम मेरे को तब मिलेगा जब सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो सेम हो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा जब आपने इस वेट को रिमूव किया तो वेट को रिमूव करने के बाद एयर प्रेशर यानी कि सिस्टम का प्रेशर बढ़ गया और सराउंडिंग का प्रेशर कम था, तो वन से लेके टू तक का जो मूवमेंट हुआ वो मूवमेंट जो था वो नॉन क्वासी स्टैटिक था। इज दैट क्लियर? वो जो मूवमेंट था दैट वाज नॉन क्वासी स्टैटिक। अभी इस प्रोसेस को यदि मैं क्वासी स्टैटिक बनाना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं? उसके लिए क्या करूंगा? फिर से रख दूंगा? नहीं, उसके लिए देखो मैं क्या करूंगा।
नहीं, इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये वेट को मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। इज दैट क्लियर? अब जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में बच्चों आप डिवाइड करोगे, तो एक पार्ट को जब आप रिमूव करोगे तो आपका पिस्टन जो है वो डेल्टा डिस्टेंस मूव करेगा, यानी कि फिर आपको एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। आपने इस वेट को चूंकि इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वन और टू के बीच में आपको इनफाइनाइट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिलेंगे, और जब उन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो जो प्रोसेस आपको मिलेगी दैट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब तीसरा पॉइंट आपने लिखा है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इम्पॉसिबल है। कहे इम्पॉसिबल है भाई? हाँ, इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ अच्छा आंसर दो। ठीक है, क्या बोल रहे हो यार? जो तो किताब में पढ़ा है ना उसको छोड़ दे, जो समझा है वो अपने दिमाग से बोल। किताब से पढ़ के यहाँ पे बात मत किया कर, किताब से पढ़ के बात करेगा तो कंफ्यूजन में आएगा। प्रैक्टिकली सोच के आंसर दे। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इम्पॉसिबल टू अचीव है भैया। इक्विलिब्रियम आपको कब मिलेगा? जब सिस्टम का प्रेशर और सराउंडिंग का प्रेशर इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? सिस्टम का प्रेशर और सराउंडिंग का प्रेशर अगर इक्वल हो गया तो मेरे भाई मेरा पिस्टन कौन सी दिशा में मूव करेगा? ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे आ जाएगा। अगर कंडीशन क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर और टेम्परेचर सिस्टम के प्रेशर और सेम होना चाहिए। अब अगर मान लो यहां पे एग्जांपल देखो कि अगर जो फोर्स एक्सटर्नल वेट लगा रहा है उतना ही फोर्स एयर प्रेशर के कारण मेरे को मिले, तो मेरा पिस्टन कौन सी दिशा में मूव करेगा? ऑब्वियसली वो कहीं मूव नहीं कर सकता। तो बेसिक कंडीशन क्या बोल रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो मेरे भाई अगर सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में रहेंगे, सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो ऑब्वियसली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कभी हो पाएगी क्या? वो प्रोसेस कभी कंप्लीट हो पाएगी क्या? ये मेरा पिस्टन क्या पॉइंट टू पे पहुंच पाएगा क्या? तो इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया, इस वेट्स को इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड किया, और जब मैंने एक पार्ट को रिमूव किया, जब मैंने एक पार्ट को रिमूव किया तो सराउंडिंग जो सिस्टम का प्रेशर था, वो जो सिस्टम का प्रेशर था वो सराउंडिंग के प्रेशर से डेल्टा ज्यादा था। बात समझ में आ रही है? आपने एक वेट को बढ़ाया ना, तभी तो ये पिस्टन मेरा मूव, एक वेट को आपने हटाया ना, इस पिस्टन को मूव करने के लिए आपने क्या किया, इस वेट को हटाया। जब आपने इस वेट को हटाया तो आपका जो एयर का प्रेशर था वो डेल्टा ज्यादा हो गया एक्सटर्नल प्रेशर से, करेक्ट है? तो डेल्टा का डिफरेंस मेरे को चाहिए तभी ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी। तो प्रैक्टिकली थियोरेटिकली अगर मेरे को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस चाहिए तो ये डेल्टा शुड अप्रोच टूवर्ड जीरो, ये डेल्टा की वैल्यू जो है वो जीरो की तरफ अप्रोच करनी चाहिए। लेकिन अगर ये जीरो की तरफ पहुंच जाए, ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वासी स्टैटिक करने के लिए ये डेल्टा शुड अप्रोच टूवर्ड जीरो, लेकिन अगर ये एक्चुअली जीरो हो जाए तो क्या होगा? अगर ये जीरो हो जाए तो कोई मोशन संभव ही नहीं है, कोई मोशन संभव ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों प्रैक्टिकली कोई भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस संभव नहीं है, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग अगर इक्विलिब्रियम में होंगे तो ऑब्वियसली प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में डेल्टा का डिफरेंस एज्यूम करते हैं, करेक्ट है? अच्छा देखो, मान लो मेरे को पानी गर्म करना है, तो मेरे पास हीटिंग कॉयल है, ये मान लो मेरे पास पानी है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, करेक्ट है? इस पानी को मैं गर्म करना चाहता हूं, तो इसमें मैं एक हीटिंग कॉयल डाल रहा हूं, उसका टेम्परेचर मैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहूंगा या 21 डिग्री सेंटीग्रेड? 200 रखूंगा तो पानी जल्दी गर्म होगा, 21 रखूंगा तो बहुत धीरे धीरे गर्म होगा,
करेक्ट है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस तब संभव होगी, या ये डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो बहुत कम होनी चाहिए, और बहुत कम होगी तो वो प्रोसेस बहुत ही स्लो होगी। बात समझ में आई, क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो प्रैक्टिकली हम एक स्लो प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में कोई प्रोसेस क्वासी स्टैटिक नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं हो सकती पॉसिबल? क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग अगर इक्विलिब्रियम में होंगे तो किस डायरेक्शन में प्रोसेस होगी? किसी भी डायरेक्शन में प्रोसेस नहीं होगी। प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मेरे को सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में डेल्टा का डिफरेंस एज्यूम करना पड़ेगा, और ये डेल्टा का डिफरेंस जितना कम होगा, ये डेल्टा की वैल्यू जितनी कम होगी, प्रोसेस उतनी स्लो होगी और उतनी ज्यादा वो मूव करेगी टुवर्ड्स द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की तरफ। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये बात? अगर मेरे को क्वासी स्टैटिक करना है तो ये डेल्टा की वैल्यू को मेरे को जीरो की तरफ ले जाने का प्रयास करना है, और जैसे मैं इसको जीरो की तरफ लेने जाऊंगा वैसे वैसे मेरी प्रोसेस स्लो होती जाएगी। क्लियर हुआ? और वो मूव करेगी टुवर्ड्स अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। बच्चों क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्या है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, समझ में आई ये बात? यस नो? चलिए फिर, अगर समझ में आया तो एक क्वेश्चन लिखिए। इट इज रिक्वायर्ड, क्वेश्चन नंबर वन, इट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड 80 डिग्री सेंटीग्रेड क्वासी स्टैटिकली व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ हीटिंग कॉयल, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ हीटिंग कॉयल। क्वेश्चन नंबर टू, इन अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एयर एक्सपांड्स क्वासी स्टैटिकली अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोसेस वुड बी ऑप्शन ए आइसोकोरिक, बी आइसोबारिक, सी आइसोथर्मल, डी एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मतलब जिसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। ई एनी ऑफ द अबव डी डेटा इनसफिशियंट। तो जो हमने अभी डिस्कस किया है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में, उसको एक बार रिवाइज करिए एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस। ये दोनों क्वेश्चन के अगर आपने, अच्छा यहाँ पे एयर है, एयर के लिए एक फॉर्मूला, मैं क्वेश्चन नंबर टू के लिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। आइडियल गैस इक्वेशन होती है एक, पीवी इज इक्वल्स टू एमआरटी, कल की क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे। अभी मान लो कि ये इक्वेशन सही है, कहाँ से आई वो अपन कल देखेंगे। पीवी इज इक्वल्स टू एमआरटी, यहाँ पे पी जो है वो प्रेशर होता है, वी जो है
वो वॉल्यूम होता है एम मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि यहाँ पे मास ऑफ एयर हो जाएगा, आर एक कांस्टेंट है और टी जो है वो टेम्परेचर है. सो दैट इज द हिंट फॉर क्वेश्चन नंबर टू. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड सॉल्व द क्वेश्चन नंबर वन एंड टू. चलिए जी, इट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 20 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड क्वासी स्टैटिकली, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ हीटिंग कॉइल. कितना गलत जवाब, 40 होना चाहिए, 60. वेरी गुड, 60 अगर हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर होगा बाबू तो 80 पहुंचेगा कैसे वो? सर अबाउ 80. शुभम बोलो 80. देखो चलो देखते हैं क्या होगा. अगर हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर, हीटिंग कॉइल का मैं एक फिक्स टेम्परेचर रखता हूँ, हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर मैंने रख दिया मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा? वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड में ही रहेगा, राइट? हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर अगर मैं मान लो रख लेता हूँ 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा? वाटर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा, यस नो? तो क्या समस्या, 80 डिग्री रख लेते हैं. अभी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस मिला मेरे को 20 और 80, यानी कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो प्रोसेस जो है वो क्वासी स्टैटिक. मेरे को सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस को मिनिमाइज करना, तो यहाँ पे जो मेरा कॉयल का टेम्परेचर होगा वो फिक्स टेम्परेचर नहीं होगा. पहले कॉयल का टेम्परेचर मैं रखूंगा 20 प्लस डेल्टा, और डेल्टा डेल्टा बढ़ाते बढ़ाते मैं इस टेम्परेचर को लेकर जाऊंगा अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड. बात समझ में आई? क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आपको बस डेल्टा का ही अंतर रखना है, करेक्ट है? तो पहले आप जो कॉयल का टेम्परेचर रखोगे वो 20 प्लस डेल्टा रखोगे, और ये डेल्टा को इंक्रीज करते करते आप लेकर जाओगे 80 डिग्री सेंटीग्रेड. तो प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक करने के लिए आपको इनफाइनाइट टाइम्स आपके हीटिंग कॉइल के टेम्परेचर को भी चेंज करना पड़ेगा. क्लियर हुआ ये बात? 80 डिग्री डायरेक्टली रख देने से क्या समस्या हो गई? टेम्परेचर तो 80 डिग्री पहुंच जाएगा लेकिन प्रोसेस क्वासी स्टैटिक. क्लियर हुआ ये बात? चलिए सेकेंड क्वेश्चन था. In a piston cylinder arrangement, air expands quasi-statically against the atmospheric pressure. Process would be isobaric. Isobaric और isothermal दोनों होगा. Question को ढंग से पढ़ो तो सही answer मिलेगा. Question पढ़ोगे नहीं तो answer नहीं मिलेगा. हाँ? Isochoric. अरे बेटा क्वेश्चन में लिखा है कि प्रोसेस आइसोकोरिक नहीं है. आइसोकोरिक मतलब क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट. क्वेश्चन में लिखा है एक्सपांड, एक्सपांड कर रहा है, तो भैया वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है ना. ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है. यहाँ पे एयर है और ये एयर जो है वो एक्सपांड कर रहा है अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट? तो मेरा सिस्टम जो है वो एयर है जो कि इस सिलेंडर के अंदर है, राइट? अब क्वेश्चन में लिखा है कि इट एक्सपांड्स, करेक्ट है? ये इट एक्सपांड्स, तो ऑब्वियसली ये आइसोकोरिक वाला टर्म तो गलत हो ही गया, करेक्ट है? और क्वेश्चन में लिखा है इट एक्सपांड्स क्वासी स्टैटिकली अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पे जो प्रेशर है दैट इज पी एटीएम, करेक्ट है?
बात समझ में आई? अभी PATM है, इसको एक्सपांड करना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने वाला है क्या? तो अंदर का प्रेशर क्या होगा? PATM प्लस डेल्टा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब यह हुआ कि अंदर का प्रेशर जो एयर का है, दैट टू विल रिमेन कांस्टेंट। यस नो? तो सिंपल सा क्वेश्चन में आंसर तो इसका दिया हुआ है कि ये जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक है। लेकिन अभी बाकी जो ऑप्शंस दिए हैं, क्या ये सही है या ये गलत है? एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस होगी, ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? अब क्या बोल रहा है, मेरे पास फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, राइट? पी इज कॉन्स्टेंट बिकॉज दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। एक्सपांड अगेंस्ट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, सो द प्रेशर ऑफ द एयर इन साइड द सिलेंडर शुड बी कॉन्स्टेंट। तो आइसोबारिक प्रोसेस है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पी कॉन्स्टेंट हो गया, क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सपांड कर रहा है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। करेक्ट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है बच्चों, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। गलत। अब तुम्हारा जो डाउट था, तुमने जो आंसर दिया, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहेगा। हाँ, तो कोई जरूरी नहीं है ना कि मेरा सराउंडिंग हमेशा एम्बियंट ही होगा। यहां पे चलो आगे आते हैं। यहां पे मेरा सराउंडिंग जो है वो एम्बियंट नहीं है। यहां पे देखो टेम्परेचर, अब मेरे को प्रेशर मैंने कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट? टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरे को यहां पे एक्सटर्नल हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां पे एक हीटिंग कॉइल मेरे को लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी इसका जो एम्बियंट है ये हीटिंग कॉइल बन गया। क्लियर हुआ पॉइंट? यहां पे एम्बियंट जो है वो टी नॉट, यानी कि एम्बियंट टेम्परेचर नहीं है, राइट? इसको एडिशनल मेरे को हीट सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इसका अगर वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मेरे को एक्सटर्नल हीट सप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो इसका मतलब ये प्रोसेस एडियाबेटिक। अरे हाँ ना, जल्दी बोलो यार, एडियाबेटिक है नहीं है? अभी तो हमने देखा है इसको टेम्परेचर, मेरे को एक हीट का एक्सटर्नल सोर्स मेरे को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। Are you getting my point? So obviously this process is not adiabatic. This process is not adiabatic. Ab any of the above bhi galat ho gaya aur data insufficient bhi galat ho gaya. So there is only one right answer. The process is isobaric. Clear hua ye baat? Tumhara doubt clear hua isobaric aur isothermal? Kyunki question mein likha hua hai ki ye expand kar raha against the atmospheric pressure. Ye question mein diya hua hai. Yani ki pressure constant ho gaya. Lekin iska ambient, इसका सराउंडिंग जो है वो एम्बियंट टेम्परेचर नहीं था। यहां पे मैंने एक्सटर्नल हीट सोर्स लगाया था जो कि यहां पे सराउंडिंग का काम कर रहा था। क्लियर हुआ पॉइंट? तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए चलिए जी, अब आ जाते हैं दूसरा डेफिनेशन जो कि है रिवर्सिबल प्रोसेस। If a process is reversed and surrounding regain its initial state, process would be reversible. अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को, आप लोग कहां गलती करते हैं उसको भी मैं डिस्कस करूंगा अभी। अगर एक प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाए, देखो पहली बात ध्यान में रखो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को उसको रिवर्स करना जरूरी है। लेकिन यदि मैं एक प्रोसेस को रिवर्स कर दूं और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपने इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाएं, तो वो प्रोसेस को हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे।
जैसे कि तुम अपने घर से अभी इंस्टीट्यूट आए, वापस थोड़ी देर के बाद तुम अपने घर पहुंच जाओगे, तो तुम जहां से आए थे वापस वहीं पहुंच जाओगे, तो तुम्हारा आना और जाना एक रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल हुआ, है नहीं? क्या लिखा है? नो सर, नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ बेटा? तो साइक्लिक का हुआ ना, आने जाने साइक्लिक में का तो हुआ, पेट्रोल रिवर्सिबल और का क्यों नहीं हुआ? तुम जहां से आए थे वापस अपनी जगह पहुंच गए। एनर्जी एनर्जी लग गई सर, उसमें खर्च हो गई। देखो क्यों नहीं हुआ, समझो। यहां पे लिखा है सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपनी ओरिजिनल जगह पे पहुंच जाए जो पहले थे। जब तुम आए घर से इंस्टीट्यूट, बाइक पे बैठ के आए, 1 लीटर पेट्रोल जला, वापस जाओगे तो 1 लीटर पेट्रोल वापस तुमको मिलेगा, 1 लीटर पेट्रोल तुमको वापस मिलेगा। तो भैया तुम्हारे आने और जाने में 2 लीटर यूनिवर्स का पेट्रोल खर्च हो चुका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं तो अपनी जगह पहुंच गया जहां से मैं आया था सर, रिवर्सिबल नहीं हुआ। मैं यानी कि सिस्टम, मैं जहां से आया था मैं वहां वापस पहुंच गया, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस, बट इट इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। पॉइंट क्लियर हुआ? ये रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि जब मैं आया तो मेरा 1 लीटर पेट्रोल खर्च हुआ था। अगर वापसी में वो 1 लीटर पेट्रोल मेरे को मिल जाए तो फिर ये जो प्रोसेस थी आने और जाने की, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर 1 लीटर पेट्रोल ए से बी जाने पे खर्च हुआ है और बी से ए आने पे वो 1 लीटर पेट्रोल मेरे को वापस मिल जाए, तो ए बी का जो प्रोसेस था वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हम लोग क्या बोलते हैं, मैं जहां से आया था मैं वापस पहुंच गया। आप यानी कि सिस्टम जहां से आया था, सिस्टम वापस अपनी जगह पे पहुंच गया। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट? सो डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस? कोई समानता है क्वासी स्टेटिक में? एक स्टेट में पहुंच जाता है कौन? एक स्टेट में वापस पहुंच जाता है। मैं पूछ रहा हूं रिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन और क्वासी स्टेटिक प्रोसेस के डेफिनेशन में कोई समानता है, कोई सिमिलरिटी है? हाँ, स्टेट चेंज, वो तो हर प्रोसेस है तो स्टेट चेंज तो होगा ही, प्रोसेस है तो स्टेट चेंज तो होगा ही। अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो अभी इस डेफिनेशन में कोई सिमिलरिटी नहीं है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज द लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, राइट? और रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब हुआ कि अगर मैं उसको रिवर्स कर देता हूं तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल हुआ कि अगर मैं ए से बी गया और मैंने यहां पे 100 किलो जूल का वर्क किया, तो बी से ए वापस आने पे ये 100 किलो जूल मेरे को वापस मिल जाना चाहिए, देन द प्रोसेस वुड बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट? अदरवाइज द प्रोसेस इज इररिवर्सिबल। अब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलता है कि इट इज द लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, लेकिन आगे की क्लास में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम क्वासी स्टैटिक और रिवर्सिबल प्रोसेस को एज अ सिनोनिमस यूज कर रहे हैं। जहां क्वासी स्टैटिक लिखा होगा मैं उसको रिवर्सिबल मान लूंगा, और रिवर्सिबल लिखा है तो वो तो क्वासी स्टैटिक होना उसका अनिवार्य है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या सिमिलरिटी, कैसे इन दोनों के बीच में सिनोनिमस का टर्म हम लोग यूज कर लेते हैं। डेफिनेशन दोनों का, परिभाषा दोनों की अलग अलग है। रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि उस प्रोसेस के होने से, हिंदी में बोलूं तो मैकेनिकल वर्क का नुकसान नहीं होना चाहिए। जितना मैकेनिकल वर्क खर्च हुआ है वापस जाने पे उतना मैकेनिकल वर्क मेरे को वापस मिल गया, तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल कहलाएगी। और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग हर समय पर इक्विलिब्रियम स्टेट पे होने चाहिए, राइट? चलिए तो देखते हैं क्या है। इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस देयर शुड बी There should be no internal
और एक्सटर्नल इररिवर्सिबिलिटी। देखो हिंदी में अगर मैं बोलूं तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है नो लॉस ऑफ मैकेनिकल वर्क, और इररिवर्सिबिलिटी रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ मैकेनिकल वर्क को। इररिवर्सिबिलिटी रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ मैकेनिकल वर्क। तो अगर प्रोसेस में किसी भी प्रकार की इररिवर्सिबिलिटी आएगी, कौन कौन से प्रकार की इररिवर्सिबिलिटी हो सकती है? इंटरनल इररिवर्सिबिलिटी और एक्सटर्नल इररिवर्सिबिलिटी। अगर किसी भी प्रकार की इररिवर्सिबिलिटी आएगी तो प्रोसेस जो है वो इररिवर्सिबल बन जाएगी, वहां मैकेनिकल वर्क का नुकसान होगा। करेक्ट। अगर प्रोसेस को रिवर्सिबल रखना है तो वहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की इररिवर्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। राइट। चलिए जी, अब अपन देखते हैं क्या होता है आगे। इन अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस there is no external irreversibility, in a quasi static process, अगर process quasi static है तो वहां पर कोई external irreversibility नहीं होगी। Correct है। इसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टा ट्रू है कि अगर प्रोसेस क्वासी स्टैटिक नहीं है तो वहां पे एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट होगी। क्लियर। प्रोसेस को रिवर्सिबल करना है तो आपको क्या करना है? एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी को बाहर भगाना है और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को बाहर भगाना है। करेक्ट। एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी को बाहर भगाने के लिए आप क्या करोगे? प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक होना चाहिए। अगर प्रोसेस क्वासी स्टैटिक है तो वहां पे कोई एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी नहीं होगा, और अगर क्वासी स्टैटिक नहीं है तो वहां पे एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी आएगी। अभी क्या होती है एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी, अपन जब एंट्रोपी वाले चैप्टर पे जाएंगे तो वहां पे अपने को आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी अपन सिर्फ इतना ध्यान में रखते हैं। करेक्ट। इंटरनल इररिवर्सिबिलिटी इज ड्यू टू द फ्रिक्शन और विस्कस फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं, फ्रिक्शन या विस्कस फोर्सेस, उसकी वजह से इंटरनल इररिवर्सिबिलिटी सिस्टम में आती है। यहां तक बात समझ में आ गई? प्रोसेस को रिवर्सिबल करना है तो एक्सटर्नल इररिवर्सिबिलिटी को भगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन को जीरो करना पड़ेगा। राइट। बात समझ में आ रही है? क्या रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल है? क्या प्रैक्टिकली एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि अपन पहले ही पढ़े थे कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ही पॉसिबल नहीं है, और रिवर्सिबल होने के लिए इसको क्वासी स्टैटिक होना पड़ेगा। तो प्रोसेस क्वासी स्टैटिक नहीं हो सकती, इसलिए रिवर्सिबल भी नहीं हो सकती। क्वासी स्टैटिक हो भी जाए तो फ्रिक्शन तो प्रेजेंट रहेगा, उस फ्रिक्शन के कारण प्रोसेस जो है वो इररिवर्सिबल बन जाएगी। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? यहां तक क्लियर हुआ? अब सवाल ये आता है कि अगर मैं कहूं कि ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक, माय स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस मस्ट बी क्वासी स्टैटिक, ट्रू और फॉल्स? जल्दी बोलो यार। ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस अगर है तो 100% वो क्वासी स्टैटिक होगी, क्योंकि अगर क्वासी स्टैटिक नहीं होगी तो वहां पे क्या आ जाएंगे? एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी आ जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हर रिवर्सिबल प्रोसेस, एवरी रिवर्सिबल इज क्वासी स्टैटिक। ये स्टेटमेंट तो ठीक है,
ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, करेक्ट है। कैन आई से एवरी क्वासिस्टेटिक इज रिवर्सिबल? नहीं, क्यों? क्वासिस्टेटिक आपको सिर्फ एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी से इजाद दिला रहा है, लेकिन इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी यानी कि फ्रिक्शन के कारण प्रोसेस फिर भी क्वासिस्टेटिक होने के बावजूद भी इरिवर्सिबल हो सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, तो अब बात आ जाती है बच्चों कि हम लोग क्वासिस्टेटिक और रिवर्सिबल को इंटरचेंजेबल टर्म के रूप में क्यों यूज करते हैं। देखो, दोनों की परिभाषा अलग अलग है, ये आपन ने डिस्कस कर लिया, लेकिन आगे से अगर मैं रिवर्सिबल कहूंगा तो उसका मतलब तो क्वासिस्टेटिक हो ही रहा है, लेकिन क्वासिस्टेटिक का रिवर्सिबल होना जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ ये बात? लेकिन बच्चों, जब हम थर्मोडायनामिक्स की एनालिसिस करते हैं, जब हम थर्मोडायनामिक्स की एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहां पे हम इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को निग्लेक्ट कर देते हैं। वी निग्लेक्ट द इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, राइट? चलिए जी, आप इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को निग्लेक्ट कर दीजिए, देन क्वासिस्टेटिक प्रोसेस इज, क्वासिस्टेटिक प्रोसेस में अगर आप इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को निग्लेक्ट कर देते हो, तो क्वासिस्टेटिक ने आपको एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी से तो इजाद दिला दिया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को हम चूंकि निग्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए हम क्वासिस्टेटिक को रिवर्सिबल मान लेते हैं, अदरवाइज क्वासिस्टेटिक प्रोसेस का रिवर्सिबल होना जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ बात? समझ में आई? तो आगे आप थर्मोडायनामिक्स में क्वासिस्टेटिक की जगह पे किताब में पढ़ोगे तो क्वासिस्टेटिक की जगह पे रिवर्सिबल लिखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को आपने निग्लेक्ट किया हुआ है। चूंकि आपने इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को निग्लेक्ट कर दिया है, इसीलिए आपका क्वासिस्टेटिक प्रोसेस सिनोनिमस टू अ रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। रिवर्सिबल है तो नेसेसरी वो क्वासिस्टेटिक होगा, लेकिन क्वासिस्टेटिक का रिवर्सिबल होना जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ ये बात? तो बच्चों, अभी तक जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबडी? क्लियर है ये? साइक्लिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस आर सेम? देखो, साइक्लिक प्रोसेस में मैं जहां से आया था मेरे को वहां पहुंचना है बस, और वहां मेरे को पहुंचना ही है। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस में मेरे को ए से बी जाके कोई जरूरी नहीं है कि मैं वापस ए पे आऊं, लेकिन अगर मैं वापस ए पे आ गया तो अगर मेरे को ए से बी जाने में कुछ वर्क करना पड़ा था तो बी से ए आने पे वो वर्क मेरे को वापस मिल जाना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज नॉट मैंडेटरी कि मैं एक रिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्स करूं ही। ए से बी एक साइक्लिक प्रोसेस है क्या? नहीं है, क्योंकि वापस अपने स्टेट पे नहीं पहुंचा सिस्टम, तो ये साइक्लिक नहीं है, लेकिन ये रिवर्सिबल हो सकती है। कैसे? ऐसे कि अगर अपन बी से ए पे आए तो जो भी वर्क मेरे को करना पड़ा था, मान लो वो मेरे को वापस मिल जाए, तो ये ए बी की प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगी। क्लियर है? तो आप लोगों का एक जो कंफ्यूजन रहता है साइक्लिक प्रोसेस में और रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्स करना जरूरी, रिवर्सिबल प्रोसेस को वापस अपनी पोजीशन पे पहुंचना जरूरी नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम को अपनी पोजीशन पे आना पड़ेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर मैं अपनी पोजीशन पे वापस आता हूं तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस पहुंच जाएंगे। क्लियर हुआ ये बात? इज दैट क्लियर? क्वासिस्टेटिक प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? पॉसिबल ठीक है? अरे भाई, क्या बोलता है, सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए, और सिस्टम और सराउंडिंग अगर इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी डायरेक्शन में प्रोसेस हो नहीं सकती। तो क्वासिस्टेटिक प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको हम पॉसिबल करने के लिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में डेल्टा का यानी कि बहुत छोटा डिफरेंस रखते हैं। अब मेरे को मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी है, इसको हीट करना है, तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरे कॉयल का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो ये जल्दी हीट करेगा, लेकिन ये प्रोसेस फिर नॉन क्वासिस्टेटिक हो जाएगी। इसको क्वासिस्टेटिकली हीट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉयल का टेम्परेचर डेल्टा डेल्टा करके इंक्रीज करना पड़ेगा, तो प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगी। द स्लो प्रोसेस कैन बी अज्यूम्ड अ क्वासिस्टेटिक प्रोसेस। क्लियर हुआ बच्चों ये? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? अच्छा, कल से क्लास में आप लोग आएंगे तो स्टीम टेबल साथ में लेकर आएंगे, कल से आगे की जो भी क्लास होगी स्टीम टेबल आपके साथ में होना
चाहिए। चलिए ठीक है, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। हाँ बोलो।